15 हम देख रहे हैं इसमें रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस सिबल प्रोसेस अब देखिए रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल प्रोसेस को हम कैसे समझ रहे हैं। मान लीजिए हम एक कंटेनर में गैस रख देते हैं, ठीक है, और यहां पर जो है सबसे पहला मैं कौन सा देख रहा हूं, रिवर्सिबल प्रोसेस। फर्स्ट इसमें रिवर्सिबल प्रोसेस प्रोसेस। अब मान लीजिए इस गैस को हमने ये पिस्टन लगाया हुआ है, ठीक है, इस गैस को मुझे कंप्रेस करना है। तो कंप्रेस करने का क्या तरीका है कि यहां से हम प्रेशर अप्लाई करें, ठीक है। अब प्रेशर अप्लाई करने के दो तरीके हैं, या तो प्रेशर स्लोली इंक्रीज किया जाए इस पर, या फिर प्रेशर एकदम से लगाया जाए। तो ये जो दो वर्ड मैं यूज कर रहा हूं, अगर हम बहुत स्लोली प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं इट बिकम्स रिवर्सिबल, और एकदम से अप्लाई करेंगे तो इरिवर्सिबल। तो एग्जांपल समझ रहे हैं कि अगर हम सैंड पार्टिकल एक एक करके इस पे गिराएं, ठीक, सैंड पार्टिकल हम यहां से एक एक करके हम इस पिस्टन के ऊपर गिराते जा रहे हैं, ठीक। अब हर सैंड पार्टिकल के मास के साथ ये नीचे की तरफ आएगा, ठीक ना। मान लीजिए हम बहुत टाइम बाद जो है यहां पर बहुत सारी सैंड उठा के डाल देते हैं, तो हो सकता है कि पिस्टन यहां पे नीचे आ जाए, और ये मैं सैंड पार्टिकल को ऐसे दिखा रहा हूं, यहां पर इस तरीके से ये सैंड पार्टिकल पड़े हुए हैं खूब सारे, ठीक है, दिस इज द पिस्टन, ठीक, और यहां गैस, ठीक। तो रिवर्सिबल प्रोसेस का क्या होगा, सबसे पहला पॉइंट इट अकर्स इन इनफाइनाइट स्टेप्स। कितने स्टेप्स हैं, इनफाइनाइट स्टेप। तो क्या ऐसा कोई प्रोसेस हो सकता है प्रैक्टिकली, इम्पॉसिबल, ठीक है ना। दूसरा, ये जो टाइम लेगा इट टेक्स इनफाइनाइट टाइम, ये भी पॉसिबल नहीं है। यानी कि आइडियली हम किसी भी प्रोसेस को परफेक्टली रिवर्सिबल नहीं बना सकते, टेंडिंग टू रिवर्सिबल बनाया जा सकता है, ठीक। तो बहुत स्लोली स्लोली हम उसको कंप्रेस करते जा रहे हैं, ठीक है। अब ऐसा होगा कि हर टाइम यहां पर दो प्रेशर लगने वाले हैं, एक तो ये प्रेशर मैं बोल दूं एक्सटर्नल, ठीक है, और यहां से मैं इसको रोकने वाला कौन सा प्रेशर है, पी गैस, ठीक है। अगर मान लो ये यहां पर पिस्टन है और मैं एक सैंड का पार्टिकल गिराऊं, ठीक है, तो एकदम से थोड़ा सा बढ़ेगा, ठीक है ना, थोड़े से बढ़ने की वजह से थोड़ा सा नीचे आएगा, लेकिन जो नीचे आने वाला डिस्टेंस है वो बहुत मिनिमल डिस्टेंस होगा। तो मैं कह सकता हूं कि जो एक्सटर्नल है पी एक्सटर्नल माइनस पी गैस, अगर ये डिफरेंस मैं डीपी बोल दूं, ठीक है, या डेल्टा पी बोल दूं, तो डीपी टेंडिंग टू जीरो। यानी अगला पॉइंट ये है कि डिफरेंस बिटवीन एक्सटर्नल फोर्स एंड अपोजिंग फोर्स, इसको अपोज जो कर रहा है, अब प्रेशर भी बोल सकता हूं फोर्स भी बोल सकता हूं, इज इनफाइनाइटेसिमल स्मॉल। इस लाइन का मतलब समझ रहे, पिस्टन यहां रखा हुआ है, एक्सटर्नल प्रेशर इज अप्लाई एंड रिवर्स प्रेशर इज पी गैस, दिस इज अपोजिंग फोर्स, ठीक है ना, एंड दिस इज एक्सटर्नल फोर्स। तो इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस होना चाहिए दैट शुड बी इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल, यानी टेंडिंग टू जीरो, ठीक। अब एक एक सेंट पार्टिकल से अगर मैं गिरा रहा हूं तो सिस्टम क्या करेगा, हर टाइम इक्विलिब्रियम में रहेगा,
यानी यहां इक्विलिब्रियम में है, स्टेबल। एक स्ट्रेन पार्टिकल गिराया, थोड़ा सा नीचे आया, फिर स्टेबल हो गया, फिर थोड़ा सा नीचे आया, स्टेबल। तो एट द ईच पॉइंट ड्यूरिंग कंप्रेशन सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम विद द सराउंडिंग। ठीक है, यानी कि चौथा पॉइंट है कि एट ईच पॉइंट सिस्टम एंड सराउंडिंग आर इन इक्विलिब्रियम, सिस्टम एंड सराउंडिंग आर इन इक्विलिब्रियम, आर इन इक्विलिब्रियम। बात समझ रहे, है ना? तो अगर मान लो बोल दे किसी चीज को कि इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल, अगर प्रेशर डिफरेंस है, या फिर वो ये बोल दे कि प्रोसेस इज डन वेरी स्लोली, हमें कैसे पता लगेगा लैंग्वेज में? या तो साफ लिखेगा कि गैस इज कंप्रेस रिवर्सिबली, ठीक ना, टेक्निकली तो उसको ये लिखना पड़ेगा क्वेश्चन में, ठीक ना। या फिर कभी कभार रेयर चांसेस हैं कि वो ये लिख दे कि सिस्टम इज कंप्रेस्ड वेरी स्लोली। तो वेरी स्लोली का मतलब यही है कि यहां पर एक एक हमने थोड़ा सा फोर्स बढ़ाया या प्रेशर बढ़ाया और थोड़ा थोड़ा करके अपन उसको धीरे धीरे नीचे ला रहे। ऐसे ही एक्सपेंशन के वक्त भी हो सकता है। मान लो यहां सैंड पार्टिकल रखे हुए हैं, एक एक करके मैं हटाता जाऊं। अब आप सोचो एक एक सैंड पार्टिकल हटाऊंगा तो टाइम बहुत ज्यादा लगेगा ना, ठीक ना। और इसमें अगर परफेक्टली रिवर्सिबल करना है तो इनफाइनाइट टाइम शुड बी टेकन एंड इट शुड बी डन इन इनफाइनाइट स्टेप्स। ठीक है, तो फिजिक्स में हम इन चीजों को नहीं पढ़ते, रिवर्सिबल वर्सेज इरिवर्सिबल। ठीक है, केमिस्ट्री में ये डिफरेंस है, है ना। तो ये बहुत ध्यान से देखना है कि किसको रिवर्सिबल बोलेंगे, किसको इरिवर्सिबल। अब ये रिवर्सिबल हो गया तो अगला देखना है इरिवर्सिबल, इरिवर्सिबल प्रोसेस क्या हो गया कि जैसे सपोज अगर हमने एक पिस्टन में वेसल में हमने गैस भरी हुई है और ये पिस्टन रखा हुआ है और सडनली मैं यहां पर एक बड़ा मास गिरा दूं, सडनली या धीरे से गिराए तब भी एक ही बात है, ठीक ना। यहां पर ऐसा नहीं है कि जैसे अगर उस मास को अपन एकदम ऊपर से गिराएं या उसको रख भी दें अपन, तो जैसे कांटेक्ट में आएगा वैसे ही तेजी से क्या होगा। अब जैसे यहां से जो अपोजिंग फोर्स लग रहा है वो कौन सा लग रहा है, पी गैस, और यहां से जो लग रहा है प्रेशर वो पी एक्सटर्नल, ठीक। और ये एकदम स्टेबल है पिस्टन इस टाइम। जैसे ही मैं इसको रख दूंगा तो ये तेजी से कंप्रेस होगी गैस, और मान लीजिए लास्ट में आके पिस्टन यहां रुक गया, ठीक है, और इस पे मास एम रखा हुआ है, ठीक ना। अच्छा, गैस कंप्रेस होती जाएगी, क्या होगा, गैस का अंदर का प्रेशर बढ़ता जाएगा, ठीक ना, क्योंकि यहां पर बॉयल्स लॉ लगाएंगे अपन, टेम्परेचर इज अ कॉन्स्टेंट, प्रेशर इज इंक्रीजिंग, हमें कहें कि यहां वॉल्यूम इज डिक्रीजिंग सो प्रेशर मस्ट बी इंक्रीज ऑफ द पी गैस। जब तक पी गैस इस एक्सटर्नल प्रेशर को बराबर नहीं कर लेगा तब तक नीचे होता जाएगा। अब यहां आके रुक गया मान लो, तो हमें कहेंगे कि यहां से लगने वाला प्रेशर और ये दोनों क्या है, बराबर है। अब सिस्टम वापस इक्विलिब्रियम में है, यहां पे, यहां इक्विलिब्रियम में है, यहां इक्विलिब्रियम में, ठीक। अच्छा, इसमें अगर मैं देखूं डिफरेंस तो यहां पे ड्राइविंग फोर्स, हम इसको ड्राइविंग फोर्स भी बोल सकते हैं जिसकी वजह से हम नीचे ला रहे हैं, या ड्राइविंग प्रेशर, ठीक है, ड्राइविंग प्रेशर माइनस पी अपोजिंग प्रेशर, ठीक है, अपोजिंग प्रेशर, इन दोनों का डिफरेंस डेल्टा पी बोल दो, और डेल्टा पी इज लार्ज। रीजन समझ रहे, अगर अपोजिंग प्रेशर और ड्राइविंग प्रेशर में डिफरेंस लार्ज हुआ, ठीक है, तो सडनली ये नीचे आएगा, ठीक ना। अगर मैं इन दोनों में डिफरेंस कम रखता, एक एक सेंट पार्टिकल डालता, तो फिर तो क्या होता, धीरे धीरे वो फोर्स डिफरेंस धीरे धीरे नीचे आना था, ये तो एकदम सडनली नीचे आएगा। तो उसमें रिवर्सिबल और इसमें क्या फर्क है, ये डिफरेंस अगर बहुत स्मॉल है तो रिवर्सिबल, और ये लार्ज है तो इरिवर्सिबल। समझ गए बात हो? अच्छा, इसमें क्या होगा, देखो उससे कंपेयर करूं तो इट अकर्स इन फाइनाइट स्टेप्स एंड टाइम, पर्टिकुलर टाइम में कंप्लीट हो जाए। दूसरा पॉइंट क्या पता लग गया कि डिफरेंस बिटवीन ड्राइविंग फोर्स एंड अपोजिंग फोर्स इज
वेरी लार्ज, ठीक है। मतलब यहां से आप कंफ्यूज ना करें, मैं फोर्स बोल रहा हूं, ठीक है ना, तो वो डिवाइड बाय एरिया जो है प्रेशर हो जाएगा, ठीक है। तो दोनों का डिफरेंस, फोर्स का डिफरेंस बिटवीन, डिफरेंस बिटवीन ड्राइविंग फोर्स, ड्राइविंग फोर्स एंड अपोजिंग फोर्स इज लार्ज, अपोजिंग फोर्स इज लार्ज, ठीक। अच्छा, यहां से जब अपन रिवर्सिबल में करवा रहे थे, तो जब पिस्टन यहां से यहां तक आया, एवरी टाइम प्रेशर इज चेंजिंग, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, ग्रेजुअली उसको एड करते जा रहे हैं, ठीक है। लेकिन अगर मैंने एक मास रख दिया, ब्लॉक रख दिया, ठीक है, तो यहां जो मास रखा हुआ है और यहां तक आते तक ये मास तो कांस्टेंट है। इसका मतलब यहां से यहां तक कंप्रेस होते वक्त तक एक्सटर्नल प्रेशर क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, ठीक ना। तो इसका सबसे इंपॉर्टेंट लाइन, इट अकर्स अगेंस्ट कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर, ठीक है, ये इसकी सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है, ठीक, जो हम लिखते हैं आगे कि इट अकर्स अगेंस्ट कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर, प्रेशर, ठीक। कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर कैसे बोला मैंने, क्योंकि ये वाला जो पार्टिकल है, ये ब्लॉक जो है, यहां से यहां तक आते समय तक कांस्टेंट रहा एक्सटर्नल प्रेशर, ठीक है। जबकि पहले वाले केस में क्या कर रहा था, एक एक सेंट पार्टिकल ग्रेजुएट कर रहा था, ठीक है। तो जब भी कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर रखा जाएगा, प्रोसेस ऑटोमेटिकली बिकम्स इरिवर्सिबल। अब चाहे वो कोई सा भी हो, आइसोथर्मल होगा, आइसोबारिक होगा, कोई भी प्रोसेस को अगर ऐसे किया जाएगा, चाहे एडियाबेटिक हो, अगर ये वाली लाइन कहीं लिख दी क्वेश्चन में उसने, तो वो ऑटोमेटिकली क्या बन जाएगा, इरिवर्सिबल। इसमें सिस्टम इक्विलिब्रियम में कब रहेगा, या तो पहले पॉइंट पे या फिर लास्ट पॉइंट पे। इसका मतलब मैं कह सकता हूं कि सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम, इज इन इक्विलिब्रियम विद सराउंडिंग, इक्विलिब्रियम विद सराउंडिंग एट ओनली इनिशियल एंड फाइनल स्टेज, एट ओनली इनिशियल एंड फाइनल स्टेज। जबकि रिवर्सिबल में क्या था, हर पॉइंट पे इक्विलिब्रियम में था, इसमें केवल इनिशियल और फाइनल में रहेगा। समझ गए आप, इक्विलिब्रियम क्या मान रहे हैं अपन, कि जितना इधर से लग रहा है उतना इधर से लग रहा है। तो एक एक सेंट पार्टिकल गिरा रहा हूं, तब क्या हो रहा, थोड़ा सा हल्का सा नीचे गया, फिर इक्विलिब्रियम में आ गया, फिर नीचे गया इक्विलिब्रियम। क्योंकि इसमें क्या होगा, सडनली इट इज कंप्रेस, तो ये केवल यहां पे पिस्टन स्टेबल है और एक यहां पे स्टेबल, बीच के किसी भी पॉइंट पर ये स्टेबल नहीं है, तो सिस्टम इज नॉट इन इक्विलिब्रियम इन इंटरमीडिएट पॉइंट्स, ठीक। तो ये रिवर्सिबल वर्सेस इरिवर्सिबल कैलकुलेशन, वर्क कैलकुलेशन, ठीक। अब देखिए, वर्क कैलकुलेशन यहां पे फिजिक्स और केमिस्ट्री में जो डिफरेंस है वो ये है, यहां हम गैस का जो वर्क है वो कैलकुलेट कर रहे हैं, यहां हम गैस को सिस्टम मान के आगे बढ़ते हैं। यानी वर्क जो गैस करेगी, वर्क डन बाय गैस इज इक्वल टू, अगर एक छोटा सा चेंज देखा जाए वर्क का, तो होगा पीडीवी, और बड़े चेंज के लिए मैं इसको क्या करूं, इंटीग्रेट, ठीक। ये पी किसका आएगा, गैस का, और डीवी के रेफरेंस में कर रहे हैं तो V1 से V2 इसकी लिमिट आएगी। अब एक्चुअली क्या होता है कि डायरेक्शन वाइज अगर P गैस नीचे से लग रहा है तो एक्सटर्नल ऊपर से लग रहा है, यानी मैं डायरेक्शन वाइज ही लिख सकता हूं कि P एक्सटर्नल इज इक्वल टू माइनस P गैस, बातें नहीं। अगर मैं उठा के इसको यहां रख दूं तो W गैस इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन पी एक्सटर्नल इंटू डी वी वन से, ठीक ना। अब यहां डीवी में बोल रहा हूं, इसका मतलब मैं जो चेंज कर रहा हूं वॉल्यूम का, वो स्लोली कर रहा हूं। जब भी इंटीग्रेशन वाला साइन आ जाएगा तो इट इज ओनली फॉर रिवर्सिबल,
चेंज हम बहुत कम कर रहे हैं, और जब भी हम चेंज बहुत कम करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो क्या बन जाएगा, रिवर्सिबल प्रोसेस। बात समझ आ गई? अब इसमें मैं केस फर्स्ट ले रहा हूं। सबसे पहले तो आईयूपीएससी क्या बोलता है वर्ग के बारे में, आईयूपीएससी कन्वेंशन क्या है? आईयूपीएससी कन्वेंशन है कि वर्क डन बाय द गैस, वर्क डन बाय द गैस। अब बताओ गैस कब वर्क करेगी, जब क्या कर रही हो, एक्सपेंशन। अगर एक्सपेंशन होगा इसका मतलब वॉल्यूम बढ़ेगा, और वॉल्यूम बढ़ेगा तो डीवी क्या होगा, पॉजिटिव, और डीवी पॉजिटिव होगा तो डब्ल्यू क्या होगा, नेगेटिव। तो वर्क डन बाय द गैस इज नेगेटिव, ये फॉर्मूले सा है। और दूसरा केस कि वर्क डन ऑन द गैस, वर्क डन ऑन द गैस। अब आप गैस पे वर्क कर रहे हो यानी गैस पे प्रेशर लगा रहे हो, इसका मतलब वहां पे क्या होने वाला है, कंप्रेशन। अगर कंप्रेशन होगा तो उस केस में डीवी क्या होगा, या डेल्टा वी जो भी बोलो आप, डीवी होगा वॉल्यूम में कमी आ रही है, वॉल्यूम डिक्रीजेस, तो चेंज इज नेगेटिव। नेगेटिव यहां रखूंगा मैं तो वर्क क्या हो जाएगा इसका, पॉजिटिव। तो ये आईयूपीएससी कन्वेंशन है, वर्क डन बाय द गैस, बाय द गैस मतलब एक्सपेंशन, बाय द गैस इज नेगेटिव। ये केमिस्ट्री के हिसाब से ही है, फिजिक्स में ऐसा कोई चक्कर नहीं है। तो ये फिजिक्स से एकदम डिफरेंट चीज पढ़ रहे हैं अभी अपन, ठीक है ना। वहां पे नेगेटिव नहीं होता है साइन, ठीक। तो वहां एक्सटर्नल प्रेशर ही काउंट करते हैं, डब्ल्यू एक्सटर्नल बराबर पी एक्सटर्नल डीवी इंटीग्रेशन। लेकिन यहां हमने किसको मान लिया सिस्टम, गैस को, तो गैस के हिसाब से एकदम नेगेटिव रिलेशन चल रहा है। पॉइंट क्लियर है? तो ये आईयूपीएससी नाम दे दिया तो ये केमिस्ट्री की ऑर्गेनाइजेशन है, इसलिए केमिस्ट्री के हिसाब से ये वर्क नेगेटिव पॉजिटिव। लेकिन वास्तव में नेगेटिव पॉजिटिव वर्क का कोई मतलब नहीं है, वर्क तो हमेशा मैग्नीट्यूड होगा, चाहे मैं इधर लगाऊं या इसको इधर लगाऊं। सिर्फ हमें ये पता लग जाएगा कि अगर मान लो वर्क पॉजिटिव है, W इज इक्वल टू 50 जूल, इसका मतलब वर्क इज डन ऑन द गैस, यानी दबाया गया उसको। और अगर वर्क माइनस लिख दिया केमिस्ट्री में माइनस 50 जूल, तो इसका मतलब वो वर्क इज डन बाय द गैस ड्यूरिंग एक्सपेंशन। समझ गए? अगर हम इसको कर्व के हिसाब से देखें, ठीक है, मान लीजिए पीवी कर्व कोई भी दे दिया मुझे, ठीक है, इस तरीके से कर्व दे दिया मान लो, ठीक। कर्व अगर ये दिया हुआ है तो यहां जो एरिया अंडर द कर्व होगा, जब आप मैथ में पढ़ते हैं तो वाई डीएक्स का इंटीग्रेशन एरिया अंडर द कर्व होता है। तो एरिया अंडर द कर्व किसको रिप्रेजेंट करेगा, एरिया अंडर द कर्व इज इक्वल टू वर्क। वर्क क्यों होगा, क्योंकि एरिया अंडर द कर्व क्या होगा, इंटीग्रेशन वाई डीएक्स यानी पी डी। लेकिन ये एक्चुअली किसको रिप्रेजेंट करेगा, वर्क के मैग्नीट्यूड। समझ गए बात को? एरिया तो अपन पॉजिटिव लिखेंगे, तो यहां से वर्क का मैग्नीट्यूड आ जाएगा। तो मान लो कोई भी कर्व मुझे दे दिया है और मुझे वर्क कैलकुलेट करना है, तो मुझे क्या करना है, एरिया अंडर द कर्व। जैसे सपोज करो, मान लो मुझे कर्व दे दिया इस तरीके से, पीवी कर्व, यहां से ये कर्व दे दिया मुझे, ठीक है ना, ये दे दिया मुझे कि जैसे मान लो 1 ATM है और वॉल्यूम यहां से मुझे दे दिया 1 L से 4 L, मुझसे पूछा कि वर्क बताइए, ठीक है। तो वर्क का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू क्या होगा, पी डेल्टा वी, ये वाला एरिया काउंट करना है, कितना हो जाएगा बताइए। ये मान लो मैं इसको 2 ATM कर देता हूं, तो हाइट इसकी 2 ATM, ठीक है ना, और उसके बाद 2 ATM इंटू यहां से ये डिस्टेंस 3 L, तो वर्क कितना हो गया, 6 L ATM, ठीक। एक स्फीयर दे दिया मुझे और यहां से मुझे दे दिया 1 L और यहां दे दिया 4 L, ठीक है, पीवी कर्व बना रहा हूं मैं, पी और वी एक्सेस। यहां से मुझे दे दिया दिस इज 2 ATM एंड दिस इज 5 ATM और मुझसे पूछा कि कैलकुलेट वर्क। तो वर्क का मैग्नीट्यूड एक्चुअली अपन क्या करेंगे, वर्क का मैग्नीट्यूड, और ये दे दिया इस तरीके से मुझे क्लॉकवाइज। अब दो पॉइंट आप ध्यान रखोगे, पॉइंट ये है
कि क्लॉक वाइज वर्क, अगर साइकिल दे दिया है तो क्लॉक वाइज वर्क के लिए साइन आएगा नेगेटिव और एंटी क्लॉक वाइज पॉजिटिव, क्लॉक वाइज पॉजिटिव। अब मुझे वर्क निकालना है, तो वर्क कौन सा एरिया रिप्रेजेंट करेगा? वर्क रिप्रेजेंट करेगा जो एरिया अंडर द कर्व है, यानी कौन सा वाला? ये वाला। ठीक, रेडियस निकाल सकते हो आप इसकी, तो वर्क इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, रेडियस इसकी कितनी हो जाएगी, डायमीटर तो 3 हो गया, ठीक है ना, तो पाई 1.5 का होल स्क्वायर। यूनिट क्या लिखनी है अपन को? यूनिट लिखनी है ये लीटर में और ये एटीएम, तो एटीएम इंटू लीटर। ठीक, और अगर साइन पूछा जाए तो क्लॉकवाइज दे दिया है मैंने, तो इसके आगे मैं साइन क्या लगा दूंगा, नेगेटिव। नेगेटिव वर्क क्या बताएगा अपन को? कि वर्क डन बाय द गैस, वर्क डन बाय द गैस इज नेगेटिव। बाय द गैस कब होगा? एक्सपेंशन, समझ गए बात को? वर्क डन बाय द गैस एक्सपेंशन, वर्क डन ऑन द गैस कंप्रेशन। अच्छा, इसमें एक चीज और अपन कर लें कि एटीएम लीटर को अगर मान लो जूल में चेंज करना हो, तो ये कन्वर्ट कर सकता हूं मैं 1 ATM इंटू लीटर, इसको मैं लिख दूं 1.013 इंटू 10^5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और लीटर कितना होगा? लीटर होगा 10^-3 मीटर क्यूब। सोल्व करोगे तो ये आएगा 101.3 न्यूटन इंटू मीटर, यानी सीधा लिख रहा हूं जूल। तो कन्वर्ट करने के लिए क्या करोगे, 1 ATM इंटू लीटर बराबर 101.3 जूल। और अगर कैलोरी में आंसर दिया हुआ हो तो 1 calorie इज इक्वल टू 4.18 जूल, या 2 भी दे सकते हैं क्लोज अगर अपन अप्रोक्सीमेशन करना चाहें। ठीक, तो वर्क, अब इस चीज को मैं पॉइंट को प्रूव कर रहा हूं कि क्लॉकवाइज नेगेटिव और एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव कैसे। जैसे मान लीजिए, सपोज मुझे एक पीवी कर्व दिया हुआ होता, पीवी बी एक्सिस इधर, पी एक्सिस इधर, ठीक है। अब इसमें मैं एक साइकिल ड्रॉ कर रहा हूं, क्लोज साइकिल है इस तरीके से, यहां से ये, तो साइकिल क्या है? क्लॉकवाइज है। वर्क का आंसर क्या आना चाहिए? नेगेटिव। मैं पॉइंट्स ड्रॉ कर रहा हूं, दिस इज 1 liter, 4 liter, 2 ATM और ये 5 ATM। अब बताइए आंसर, वर्क कौन सा होगा ये बताओ? ये होगा एरिया अंडर द कर्व। कितना आंसर आने वाला है बताओ? W इज इक्वल टू ये डिस्टेंस 3, ये डिस्टेंस 3, तो 3 × 3 लीटर ATM। और साइन क्या करते हैं अपन? क्लॉकवाइज है तो साइन क्या लग जाएगा? माइनस। अब इस पॉइंट को हम प्रूव कर रहे हैं कि ये कैसे आया। जैसे मान लो ये मैं ले लूं ए बी सी और डी, ये वाला प्रोसेस जो है कांस्टेंट वॉल्यूम वाला है, आइसोकोरिक, और ये वाला भी क्या है? आइसोकोरिक। आइसोकोरिक है यानी आप यहां देख सकते हो, यहां वॉल्यूम कांस्टेंट है, यहां भी क्या है? वॉल्यूम कांस्टेंट, यहां प्रेशर कांस्टेंट, यहां भी प्रेशर। ये क्या बन जाएगा? आइसोबारिक। और ये क्या बन जाएगा? आइसोकोरिक। अगर वॉल्यूम कांस्टेंट हो, ये वॉल्यूम कांस्टेंट, तो चेंज वॉल्यूम का क्या होगा? 0। तो वर्क क्या हो जाएगा? 0। तो आइसोकोरिक प्रोसेस में वर्क क्या होता है? 0। इसका मतलब ये दोनों प्रोसेस में जो वर्क होगा वो कितना होगा? 0। इसको मैं डब्ल्यू ए बी बोल दूं, डब्ल्यू सी डी बोल दूं, तो डब्ल्यू सी डी 0, डब्ल्यू ए बी भी क्या हो गया? अब अगर मान लो मुझे टोटल वर्क काउंट करना है तो क्या करना पड़ेगा? इन चारों का एल्जेब्रिक सम, ठीक ना, इन चारों का एल्जेब्रिक सम है, तो इसका इसका क्या होगा वर्क? वर्क डब्ल्यू बी सी, इधर करते हैं अपन वर्क कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक है। तो पहला मैं वर्क ले लेता हूं डब्ल्यू बी सी, ठीक है, तो डब्ल्यू बी सी वर्क कितना होगा? इज इक्वल टू, इसको अपन क्या लिखे, प्रेशर कॉन्स्टेंट है, तो प्रेशर कॉन्स्टेंट में माइनस पी डी बी। अगर प्रेशर कॉन्स्टेंट है जिसे बाहर ले आऊं, माइनस पी, यहां लिमिट वी वन से वी टू, तो इंटीग्रेशन
डीवी वी वन से वी टू ये क्या हो जाएगा इज इक्वल टू माइनस पी डेल्टा। तो यहीं से दो रिलेशन मुझे पता लग गए। अगर प्रेशर अगर प्रोसेस कॉन्स्टेंट वॉल्यूम है तो वर्क क्या होगा हमेशा जीरो, और अगर प्रेशर कॉन्स्टेंट अगर प्रोसेस कॉन्स्टेंट प्रेशर है आइसोबारिक है तो वर्क क्या होगा माइनस पी डेल्टा। ठीक है, अब अपन इसके लिए निकाल रहे हैं। तो प्रेशर कितना है इसका माइनस 5 एटीएम और चेंज इन वॉल्यूम कितना है 3 लीटर, तो आंसर कितना हो गया माइनस 15 लीटर एटीएम। ये किसके लिए वर्क आ गया इस वाले के लिए। इसके बाद अपन घूमते हुए इधर आए तो डब्ल्यू डी सी तो क्या हो गया जीरो, आइसोकोरिक प्रोसेस कॉन्स्टेंट वॉल्यूम। इसके बाद हम आते हैं डब्ल्यू डी ए प्रोसेस में तो माइनस पी डेल्टा वी होगा। ये प्रेशर कितना है इसका माइनस 2 एटीएम और वॉल्यूम चेंज कितना है 3 लीटर, तो ये कितना हो गया माइनस 6 लीटर एटीएम। और W फिर हम यहां से A B की तरफ चले जाए तो ये क्या हो जाएगा जीरो, अगेन इट इज आइसोकोरिक। तो दो फार्मूले वर्क के पता लग गए। आइसोबारिक ये किसके लिए लग रहा है आइसोबारिक, और W जीरो किसके लिए है आइसोकोरिक कॉन्स्टेंट वॉल्यूम। अब इन सब का सम कर दूं मैं तो टोटल वर्क आ जाएगा। बताइए कितना आएगा टोटल वर्क, टोटल वर्क इज इक्वल टू इन चारों का सम कितना आ जाएगा इज इक्वल टू, अच्छा यहां से एक चेंज होगा, यहां से तो ये प्लस में है 3 लीटर ये माइनस में, तो ये कितना हो जाएगा 6 लीटर। ध्यान देना ये चीज क्या हो रही एक्सपेंशन, वर्क डन बाय द गैस नेगेटिव तो नेगेटिव साइन आ रहा है, और ये चीज क्या हो रही है वॉल्यूम में कमी आ रही है कंप्रेशन, तो कंप्रेशन में वर्क का आंसर क्या होगा पॉजिटिव। ये बात समझ गए ना। डेल्टा वी कैसे निकाल रहे फाइनल माइनस इनिशियल, यहां से यहां गया तो ये फाइनल 1 लीटर इनिशियल 4 तो फाइनल माइनस इनिशियल यानी माइनस 3 लीटर। इन सबका सम कर दिया जाए तो माइनस क्या आ रहा है 9 लीटर एटीएम। तो ये चीज प्रूव हो गई ना यहां से। बोलो हमने क्या इसको रिलेशन निकाला कि एरिया अंडर द कर्व सीधा कर दो आप ये डायमेंशन इनटू दिस डायमेंशन, और एरिया अंडर द कर्व ये मैग्नीट्यूड आ गया, और साइन देखना है तो अगर साइकिल क्लॉकवाइज होगा तो नेगेटिव और एंटी क्लॉकवाइज होगा तो पॉजिटिव। ठीक ना, तो यही चीज यहां पर ये प्रूव हो गया ये चीज। तो कोई सा भी कर्व दे दे हमें, ठीक है ना, उस कर्व के लिए एरिया अंडर द कर्व लेके अपन वर्क निकाल सकते हैं। फिर है